चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे उल्टा सिक्स बनाएंगे। जैसे कि हम लोग अभी पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं, वारली पेंटिंग, तो उनका जो तारपा नृत्य सबसे फेमस है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये उल्टा सिक्स मैंने एक बनाया, आपको इसके आजू बाजू में और दो लाइनें खींचनी है, तीन लाइन बनानी है, एक दो तीन, और ये सिक्स उल्टा आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो ऊपर की दो लाइंस है, यहाँ पे हम लोगों को एक्स निकालने हैं। सबसे शुरू वाले वीडियोस में मैंने वारली फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं दिखाया है, उसमें मैंने बताया है एक्स निकाल के कैसे उसको कंप्लीट करके फिगर बनानी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार विज़िट कीजिए और शुरू वाले वीडियोस देखिए, जहाँ पे आपको वारली फिगर कैसे बनानी है, कैसे कलर यूज़ करना है, कलर को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से ब्रश आपको यूज़ करने हैं, सारी जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियोस में दे रखी है। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल होने वाले हैं। आप भी ऐसे नए नए आर्टवर्क सीखना चाहते हो तो ज़रूर आपको मेरे चैनल से हेल्प होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखो ये एक्स तो बनके कंप्लीट है, अब इसके दो एंड क्लोज करके नीचे वाली जो लाइन है वहाँ तक हम लोग इनके पैर निकालेंगे। और बाद में हम इसमें फिलिंग करके ये फिगर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हम लोगों ने एक्स और पैर निकाल लिए हैं, दो एंड्स ज्वाइन किए हैं। अब बीच वाले पोर्शन में हम लोग कलर को फिल करेंगे, जो दो एक्स है ऊपर नीचे, वो दोनों एक्स हम कलर फिल करके कंप्लीट करेंगे। हो गया, बस अब हम इसके ऊपर नेक और हेड बनाएंगे। नेक के लिए सिंपल से पतली लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना के उसको कलर से फिल करके हेड बना देंगे। और जैसे कि अगर हमें औरत दिखानी है तो हम लोग पीछे की तरफ जुड़ा दिखाएंगे, और अगर मेल दिखाना है, बड़ा मेल दिखाना है तो शिखा ऐड करेंगे, और यंग दिखाना है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस खाली एक हेड दिखाना है। देखिए इन लोगों का तारपा नृत्य, ये सबसे फेवरेट नृत्य होता है, तो ये फिगर तारपा नृत्य को दर्शाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से दूसरे फिगर ड्रॉ किए हैं, क्योंकि ये पिक्चर बहुत क्राउडी होता है, तो इसे क्राउडी बनाने के लिए कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है ये मैंने थोड़े से वहाँ पे फिगर ड्रॉ किए हुए हैं। आप भी अपने पिक्चर में ऐसे थोड़े फिगर पहले सोच लीजिए, अगर आप डायरेक्टली पेंटिंग कर सकते हो तो सोच के आप वहाँ पे वैसा पेंटिंग बना सकते हो, डायरेक्टली काम कर सकते हो कलर से। मुझे थोड़ी आइडिया आने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा स्केच किया है कहाँ पे क्या बनाऊँ, तो आप भी अगर बिगनर हो एकदम तो ऐसे पहले थोड़ा ड्रॉ कीजिएगा पेंसिल से। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हट बनाया है, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को विज़िट करके पहले वाले वीडियोस देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे आर्टवर्क वहाँ पे मैंने सिखाए हुए हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको उससे बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है, और अगर आपके कोई फ्रेंड इसमें इंटरेस्टेड है जो बिगनर हो, नया कुछ आर्टवर्क सीखना चाहते हो, तो उनके लिए भी आप
उनको शेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमें पतली पतली लाइन खींचनी है और हट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कंप्लीट करना है। अभी हम लोग जहाँ पे हमें मेल दिखाना है वहाँ पे शिखा ऐड करेंगे, पीछे जूड़ा लगाएंगे और इन लोगों के हाथ एक दूसरे के कमर में रखे हुए हैं ऐसे दिखाएंगे। देखिए ये जो पहला वाला जो आदमी होता है उसके हाथ में और जो आखिरी वाला आदमी या औरत होती है उसके हाथ में एक डंडा होता है, तो वो हम दिखाएंगे यहाँ पे। इन सब लोगों के हाथ एक दूसरे के कमर में डाले हुए हैं ऐसे दिखाएंगे। हो गया, देखो ये पूरा। अभी आप एक बार आपको ऐसे लग रहा है कि कलर नहीं अच्छे से चढ़ा है, थोड़ा लाइट लग रहा है, कभी कभी पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिगनर्स होते हैं हम लोग तो कभी कभी हमें कलर की थिकनेस का आइडिया नहीं आता है, तो आप उस टाइम पे रीस्ट्रोक कीजिए, पेंट को फिर से एक बार उसके ऊपर अप्लाई कीजिए तो वो थिक और अच्छा दिखेगा। दोनों साइड से हमें एक दूसरे के कमर में हाथ रखे हुए हैं ऐसे दिखाना है। देखो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पेड़ बनाते हैं, जैसे कि पूरा जो एरिया है हमारा वो फील हो जाए, थोड़ा क्राउडेड दिखे तो ही ये पेंटिंग अच्छी दिखती है। मोस्टली इसे ऐसे ही बनाते हैं, क्राउडी ही रहता है ये पेंटिंग। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जस्ट ब्रश से। हम लोग छोटे थे जब भी नारियल का पेड़ बनाते थे उस टाइप से स्ट्रोक्स देने हैं आगे पीछे। अब बीच में हम लोग जो तारपा इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाने वाला आदमी दिखाएंगे। ये थोड़ा झुका हुआ है इसलिए हम लोग इसको, इसकी जो एक्स वाली जो पहली लाइन होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई दिखाएंगे। ये झुक के बजा रहा है ऐसा है। ये ऐसे इनका इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि ये म्यूजिशियन है तो थोड़ा सा मैंने इसके ड्रेस को थोड़ा सा लुक अच्छा दिया है, मतलब अलग सा दिखाने की कोशिश की है। देखो ये कमर पे ऐसे वो तारपा को बंधे हुआ है, कितना ब्यूटीफुल दिखने लगा है देखो। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी लड़की दिखाएंगे, उसकी माँ दिखाएंगे। और पहले जैसे वासुदेव आते थे अगर आप जानते होंगे, सुबह सुबह 5:30 बजे 6 बजे सिर पे मोर के पंख का मुकुट धारण किए हुए एक भिक्षा लेने के लिए भिक्षाधारी आ जाते थे, उनको वासुदेव कहते थे। अभी तो वासुदेव बहुत कम हो गया है, पर मैंने यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश की है कि वासुदेव आए हैं भिक्षा लेने के लिए, तो उनके सर पे एक मुकुट रहता है जिसमें मोर पंख होते हैं, तो वो भी हम निकालेंगे ऊपर। ये एक छोटी लड़की आई है और उसकी माँ आई है,
भिक्षा देने के लिए। और इनके हट पे मैंने एक लालटेन भी लगाया हुआ है। देखिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें ड्रॉ करके पेंट कर सकते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से पेंटिंग बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है और भरी भरी सी भी लगती है। जैसे मैं शुरू से आपको कहते आ रही हूँ कि आप पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए सभी फिगर की, तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद पूरा होल्ड आ जाएगा और आपको आइडिया आएगी कि कौन सा पिक कैसे बनाते हैं, तो आप डायरेक्टली भी आराम से पेंट से काम कर सकते हो। देखो एज यूजुअल पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, बाद में उसको फील करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका फेस पूरा राउंड नहीं बनाया है, हाफ बनाया है, और ऊपर क्योंकि हमें मुकुट दिखाना है। बस, और ये साइड में छोटे छोटे ऐसे लाइंस खींचते हुए जाना है हमें। ये भी अपनी भिक्षा की जो झोली है वो सामने रख रहा है। चलो अब हम लोग यहाँ पे सन बना लेते हैं। सन भी बहुत अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने एक सन बनाया है जिसको खाली मैंने एक सर्कल कंप्लीट करके आजू बाजू में छोटे छोटे डॉट डॉट जैसे लाइंस बनाए हैं। कुछ यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं ऐसे दिखाते हैं। पक्षी के लिए भी जो बीच वाला पोर्शन है उसे थोड़ा सा एंगल में ड्रॉ करके फिल करना है। ये उसकी पूंछ है, दो पैर हो गए, और अब इसके पंख निकालेंगे। बीच बीच में ब्रश को धोना है, ब्रश बहुत ड्राई हो जाता है, धो के उसको कपड़े पे अच्छे से क्लीन करके फिर से पेंट में डिप करना है। जब हम काम करते हैं तो हमें आराम से समझ में आ जाता है कि ये ब्रश ड्राई हुआ है, चल नहीं रहा है, या कलर थिक हो गया है इसमें, हमें आराम से पता चल जाता है। चलो अभी ये वाला जो एरिया है इसे भी हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे मैं दो डांसिंग फिगर बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने बोला है कि एक ही एंगल से उसको फिल करना है, उसी एंगल से फ्री करेंगे। यहाँ पे इसने हाथ में ढोलक लेके रखा हुआ है और डांस कर रहा है।
ये तो म्यूजिशियन हो गए दो पहले अभी डांसिंग फिगर बनाते हैं। जितना आप इस एरिया को फील करेंगे, कंप्लीटली भरते जाओगे, उतना वो पेंटिंग अच्छा दिखेगा। यहाँ पे भी एक पेड़ बनाती हूँ। कंपाउंड बना लिया है। अभी देखो ट्रीज़ या छोटे छोटे पेड़ पौधे आप देखने को जाओगे तो इतने सारे अलग अलग वैरायटी में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तीन अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे दिखाने की कोशिश की है। अगर आपके पास 000 नंबर का ब्रश नहीं है, 0 नंबर का है तो भी काम चलेगा। 1 नंबर 2 नंबर के ब्रश से भी काम होता है। या तो फिर आप लाइनर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो पेंटिंग्स के लिए। यहाँ पे दो औरतें अनाज पीस रही हैं, जो हाथ से पहले घर पे सुबह सुबह औरतें अनाज पीसती थी चक्के के ऊपर, वो वाला दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। औरतें हैं इसलिए जूड़ा मैंने पहना है दोनों को। इसके हाथ में अनाज का बकेट है या बर्तन है, ऐसे दिखाएंगे। इसमें से अनाज डाल रहे हैं चक्की में और थोड़ा थोड़ा पीसते जा रहे हैं नीचे। हम चाहे तो यहाँ पे नीचे एक चादर और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा गिरता हुआ ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने खाली इतना ही दिखाया है। आपको अगर चाहिए तो आप वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे एक औरत झाड़ू लगा रही है। बस ऐसे सब खाली जो जगह है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऐड करते जाएंगे और पेंटिंग कंप्लीट करते जाएंगे। पूरी भरी हुई पेंटिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो आदमी है वो बैलगाड़ी का चक्का जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो उनकी जीवन पद्धति होती है वारली लोगों की, आदिवासी लोगों की, वही वो लोग उनके पिक्चर में
हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। त्यौहार भी होते हैं तो वो भी इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उनके घरों पे गेरू का वॉश देके उसके ऊपर ये लोग ऐसे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं जिससे उनका घर सुशोभित लगता है। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप भी मेरे साथ ट्राई कर रहे हो तो वो भी मुझे लिखना। चलिए अब बॉर्डर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर के लिए दो दो लीफ ऐसे बनाए हैं जॉइंट करके, और इनके बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे मैंने छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ किए हैं। एंड देखिए फाइनली ये रिज़ल्ट है पेंटिंग का। कितनी बढ़िया है सब, बढ़िया सी पेंटिंग बन के रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और इतने अच्छे अच्छे आर्टवर्क बनाना सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।